हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विभा आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्नो ट्यूटोरियल्स पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो के बारे में मैं बता देती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है हिमाचल प्रदेश से जुड़े 40 इम्पॉर्टेंट MCQs, और ये पार्ट वन है। इसके बाद दूसरा पार्ट टू आएगा जिसमें हम 60 MCQs और कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए गुलाबी बुरांश, बी सफ़ेद गुलाब, सी सूर्यमुखी, डी पलाश। चलिए उत्तर होगा आपका गुलाबी। दूसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ए 1, बी 5, सी 3, डी 4। उत्तर होगा आपका बी 5। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। ए 30, बी 31, सी 32, डी 33। तो आपका आंसर होगा सी 32। फोर्थ क्वेश्चन, हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में है। ए सिरमौर, बी कुल्लू, सी ऊना, डी चंबा। तो आपका आंसर होगा बी कुल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ए आम, बी देवदार, सी सेब, डी चीड़। तो उत्तर होगा आपका बी देवदार। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रुमाल कला के लिए प्रसिद्ध है। ए किन्नौर, बी चंबा, सी हमीरपुर, डी कुल्लू। आंसर होगा आपका बी चंबा। सातवां प्रश्न, झांकी किस जिले का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपके ए मंडी, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी चंबा। चलिए आंसर है इसका डी चंबा। आठवां प्रश्न, भूंडा त्यौहार किससे संबंधित है। ए परशुराम, बी शंकर, सी विष्णु, डी रेणुका। तो इसका सही उत्तर होगा ए परशुराम। चलिए नौवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी है। ए मोर, बी जुजुराना, सी मोनाल, डी किंगफिशर। तो आपका उत्तर होगा बी जुजुराना। दसवां प्रश्न, ज्वालामुखी नामक पर्यटन स्थल किस प्रदेश में है। ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी कश्मीर। उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ग्यारहवां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कालीबाड़ी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन हैं ए सोलन, बी ऊना, सी कुल्लू, डी शिमला। उत्तर होगा आपका शिमला में। चलिए बारहवां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं। ए किकली व भांगड़ा, बी झुरी व रासो, सी नाटी व स्वांग टेगी, डी शन व शाबू। तो उत्तर होगा आपका डी शन व शाबू। तेरहवां प्रश्न, कमला रानी और रोशनी देवी किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो ये दो लेडीज हैं, इनका नाम है कमला रानी और रोशनी देवी, तो इन्होंने किस क्षेत्र में नाम कमाया है। ऑप्शन है आपके गलीच बुनाई, बी लोकगीत, सी भित्ति चित्रांकन, डी कशीदाकारी। उत्तर होगा आपका लोकगीत में। ओके, 14th क्वेश्चन है आपका, हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ है। ए हाटकोटी, बी रेणुका, सी मनाली, डी सराहन।
तो हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो आपका मनाली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ए चंबा में, बी किन्नौर में, सी मंडी में या डी लाहौल एवं स्पीति में? तो त्रिलोकनाथ मंदिर जो है वो आपका लाहौल एवं स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के किस नगर का छोटा सॉरी हिमाचल प्रदेश के किस नगर को छोटा ल्हासा कहा जाता है? ए पालमपुर, बी धर्मशाला, सी बैजनाथ, डी कांगड़ा? तो आपका आंसर होगा बी धर्मशाला। 17th क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में है? ए कांगड़ा, बी शिमला, सी हमीरपुर, डी ऊना? तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो आपका है डी ऊना में। 18वां प्रश्न, मंदिर मंडी के किस मंदिर का संबंध शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है? ए टरना देवी मंदिर, बी भूतनाथ मंदिर, सी त्रिलोकीनाथ मंदिर, डी पंचवक्र मंदिर? तो सही उत्तर है आपका भूतनाथ मंदिर के साथ शिवरात्रि पर्व का संबंध जुड़ा हुआ है। 19वां प्रश्न है आपका, हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने में अग्रदूत कौन रहा है? ऑप्शन है आपके राजा मारुवर्मन, बी राजा साहिल वर्मन, सी राजा बलभद्र वर्मन, डी राजा प्रताप वर्मन? तो हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने में जो अग्रदूत रहे हैं वे हैं बी साहिल वर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान के पहले निदेशक कौन थे? ऑप्शन है आपके ए टी एस नेगी, बी मोहनलाल, सी एन सी मेहता, डी बी के शर्मा? आंसर होगा आपका डी बी के शर्मा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देखते हैं, ऑप्शन है आपके ए बड़ी, बी नांगल, सी शिमला, डी सोलन? तो उत्तर होगा आपका ए बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग की सर्वाधिक इकाइयां किस जिले में स्थित हैं? ए शिमला, बी कांगड़ा, सी हमीरपुर या डी सोलन? तो सही उत्तर होगा आपका बी कांगड़ा में। चलिए 23वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए सोलन, बी शिमला, सी कांगड़ा, डी बिलासपुर? तो सर्वाधिक विकास जिस जिले का हुआ है वह है आपका ए सोलन। 24वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किस स्थान पर निजी क्षेत्र में 50 टन का वनस्पति घी प्लांट स्थापित है? ए अकरी, बी नालागढ़, सी परवाणु या डी सोलन? तो उत्तर इसका सही होगा नालागढ़ में। क्यांग क्या है? 25वां प्रश्न है आपका, क्यांग क्या है? ए लाहौल की एक जनजाति का नाम है, बी नृत्य है, सी मेले का नाम है, डी तिब्बती याक? तो उत्तर होगा क्यांग जो है वह एक नृत्य शैली है। 26वां प्रश्न, चौल दौरू सज्जीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके भोट, बी झाड़, सी गड़ी, डी पंगवाल ला? तो आंसर होगा आपका सी गड़ी। चलिए 27वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो ऑप्शन है ए 12, बी 3, सी 4, डी 5।
सात। आंसर होगा आपका तीन। तो हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक संभाग जो है वो तीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? ए चिनाब, बी ब्यास, सी सतलुज, डी रावी। उत्तर होगा आपका सतलुज। चलिए 29वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं? तो किसके उत्पादन की वजह से बागवानी राज्य का दर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है? ए अंगूर, बी आम, सी सेब, डी संतरे के वजह से। तो उत्तर होगा आपका सेब। चलिए 30 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए चमेरा, बी नाथपा झापड़ी, सी बनेर, डी पार्वती। तो सही उत्तर होगा आपका पार्वती। 31st, कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है? ए बनेर, बी शानन, सी लारजी गज। तो डी है आपका गज। तो आंसर होगा आपका शानन। 32वां प्रश्न, त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? ए मंडी, बी बिलासपुर, सी मनाली, डी कांगड़ा। तो सही उत्तर होगा आपका डी कांगड़ा। 33वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? ए सुशर्मा, बी मौर, सी संसार चंद, डी वीर चंद। तो सही उत्तर होगा आपका सुशर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? ए बाबा काशीराम, बी सोमनाथ, सी चौधरी शमशेर सिंह, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो सही उत्तर होगा आपका राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? ए चंबा, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी कांगड़ा। तो सही उत्तर होगा आपका ए चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला तक किसका निर्वासित मुख्यालय था? ए तिब्बत, बी मालदीव, सी बर्मा, डी अफगानिस्तान। तो सही उत्तर है आपका सी बर्मा। 37th क्वेश्चन, हिमालय प्रदेश, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? ए बिलासपुर, बी कुल्लू, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो आंसर होगा आपका डी कांगड़ा में। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी कुल्लू। तो मुलगन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका चंबा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है आज की सीरीज का वो है, हांगडंग घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके ए चंबा, बी किन्नौर, सी लाहौल स्पीति, डी कुल्लू। तो सही आंसर है आपका बी किन्नौर।